सर आपने हमेशा ये बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एम एच एग्जामिनेशन के लिए बट अगर आप हमें ये बता देते कि एम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो शायद हमारी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाती घबराने की आवश्यकता नहीं है वेन योर ब्रदर स्टैंडिंग ओवर हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे समझेंगे कि जब हम पढ़ रहे होंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन पे हमको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है और किस तरीके से हम जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं जी हाँ तो यहां पर जल्दी से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो है बट वॉट टू स्टडी आई रिपीट अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो है बट एग्जैक्टली वॉट टू स्टडी तो उसके लिए मैं यहां पर आपको ये एक पूरा का पूरा सेशन लेकर आया हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए सर सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए अबाउट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बल जिस तरीके से हम कोई भी बुक पढ़ते हैं उसके आगे आपको प्रीफेस लिखा हुआ दिखता है सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के के आगे जो होता है उसको हम के नाम से जानते हैं और ये जो पर्टिकुलर प्रीएम्बल है इसमें दिया हुआ है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एक्साम्पल वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया अ इंटूअन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो इधर पे हमको क्या पता चला कि हमारा टाइप ऑफ पॉलिटी कैसा होगा नेम ऑफ द कंट्री क्या होगा पावर का सोर्स क्या होगा इस सभी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है कौन से वो शब्द हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बाद में ऐड किए गए कौन से अमेंडमेंट एक्ट से उनको ऐड किया गया है इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा उसके बाद यस फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेपरेशन तो फंडामेंटल राइट बनना ही चाहिए हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देर विच फंडामेंटल ड्यूटीज है

प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इनको हटाने की प्रक्रिया इंपीचमेंट की प्रक्रिया 61 में दी गई है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होगी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको बनना चाहिए गोइंग बियॉन्ड सर

उसके बियॉन्ड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि न्यूज में है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो आपको बननी चाहिए फॉर एग्जाम्पल सी बी आई इज वेरी मच इन टू न्यूज आपको बनना चाहिए इफ दे आर टॉकिंग अबाउट लेट सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको बनना चाहिए इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कैग आपको बनना चाहिए तो ये सारी चीजें जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तब जाके आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो मानी जाएगी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ठीक है जी इसी के साथ साथ हाउ कैन वी फॉरगेट जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट री में खास करके फोकस करें कि रिट्स क्या होते हैं रिट जोरिस्ट्रिक्शन किस किस के पास है और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से जोरिस्ट्रिक्शन है ओरिजिनल जोरिस्ट्रिक्शन क्या होता है क्या है वो ओरिजिनल जोरिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में दिया गया है वन थर्टी सेवन के अंतर्गत कर दिया है वन थर्टी सिक्स के अंदर स्पेशल ली पिटिशन जो दी गई है वो क्या चीज ये सब आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट सर इमरजेंसी इमरजेंसी पावर कौन इमरजेंसी प्रोक्लेम करता है कितने समय के लिए प्रोक्लेम की जाती है क्या ग्राउंड होते हैं डिक्लेरेशन के क्या कितना समय होता है अप्रूव कराने के लिए अगेन इंपॉर्टेंट उसके बियॉन्ड मेजर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंने वीडियो डाल रखा है इसका हमारे ही चैनल पे मेजर अमेंडमेंट्स आप जाइए उसको देखिए मुश्किल से दस मिनट में आपका मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बी इन अ पोजीशन जहां पर आप पूर्णतः इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे ठीक आप इतना कर तो, सर, done, आप दूसरे एक अलग सब्जेक्ट मैटर को कवर कर सकते हैं जी, इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, उन बच्चों को जो की तैयारी कर रहे हैं सी यू e, की भी आपको सर करना क्या है अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पर जाना है अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे आप ऑल कोर्सेज पे जाइए और चूज करके लॉ एंट्रेंस करके law सी यू टी एल एल बी को चूज करिए जैसे ही आप इसको चूज करेंगे आप देख सकते हो यहां पे सी LLB एल एल बी पीजी प्राइम बैच इज ऑलरेडी एंड यही वो बैच है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है करना क्या है बस इसको क्लिक करो माता पिता से जल्दी से बात करो उनको बोलो आई नीड एन इन्वेस्टमेंट फॉर माई करियर एंड दिस इज अ वेरी मिनिस्किल इन्वेस्टमेंट वेन इट कम्स टू जहां पर भी आप जाना चाहते हो लाइफ में तो सर बाय नाव पे जाइए बाय नाव पे जाने के बाद एंटर कूपन कोड करिए एंटर कूपन कोड करेंगे तो यहां Y692 पे क्लिक करना है Y692 जैसे ही आपने Y692 पे क्लिक किया इसको अप्लाई किया आप देख सकते हो कॉस्ट जो है वो लोअर डाउन होके कितनी आ जाएगी सो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज ओनली एंड वंस ंस यू गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंटली आप इसको अपने लिए इन्वेस्ट कर ही सकते हो एंड आई एम मच मच श्योर श्योर आई एम कि यू आर सीरियस फॉर योर करियर एंड इफ इन केस यू आर सर डेली यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है आपका करना क्या होगा सिर्फ और सिर्फ एक कोड है वो लगाना है Y692 और मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर आपको लेकर जाना है इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको हमारे पोर्टल पे देखने को नहीं मिलेगा डोंट मिस दुनि सेवेंटी सेवन परसेंट का ऑफ अभी इस वक्त मिल रहा है राइट विदिंग ऑफ थैंक यू सो वेरी मच फॉर ये टाइम कीप स्टिंग कीप ग्रिलिंग टिल द लास्ट मोमेंट बिकॉज ये अभी भी सिलेक्शन हो सकता है तो डरना नहीं है एंड मेहनत करनी है विद दिस आई साइनिंग ऑफ थैंक यू सो वेरी मच फॉर वैलेबल टाइम कीप स्टिंग कीप ग्रिलिंग जय हिंद जय भारत